नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं उमंत भारती, मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं चलता हूँ भट्टी मार्केट में और देखते हैं कि कोरोना वायरस से क्या क्या प्रभाव पड़ा है, मार्केट कैसा लगा है, कैसे क्या नहीं लगा है, दिखाता हूँ। चलिए, हमको लेना है मास्क। देखिए मेरा मास्क नहीं है, एक मास्क भी लेना, रुमाल बांधे हैं। तो देखिए आज जबकि राजनीति शास्त्र का द्वितीय का पेपर था BA का, तो देखिए चलते स्कूल पे, वहाँ पे स्कूल बंद है, वहाँ भी दिखाते नजारा क्या क्या दिखाऊंगा आपको। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं बहादुर यादव, चलते हैं कहते हैं हमारे स्कूल क्या पोजीशन है और दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं। देखिए मैं मास्क ले चुका हूँ, 40 रुपये भैया दिए ना मास्क हमको, और दुकान पर मिलेगा 40 रुपया, 120 रुपये दे रहे हैं मास्क, भैया ने 40 रुपये दिया है। तो आप लोग ठीक से देख लीजिए और कोई बात नहीं है, मास्क पहनिए। देखिए हम मास्क पहन चुके चल रहे हैं मार्केट में, दिखाते हैं। अब मार्केट का बहुत असर पड़ रहा है, देखिए बहुत लो है। तो देखिए भटनी का गांधी मैदान है, यहाँ पर बहुत काफ़ी भीड़ आती थी, कहीं भीड़ नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव बहुत काफ़ी है, तो आदमी बाहर से घर नहीं निकल रहा है और बहुत से लोग इसमें मास्क पहन रह चुके हैं। देखिए अभी भटनी का आता मार्केट है, क्योंकि बहुत भीड़ हुआ करता था, भीड़ नहीं है अभी, बहुत कम ही इतने जाने के लिए आने के लिए बहुत परेशान होता था, तो कोरोना वायरस का प्रकोप तो है, मानना ही पड़ेगा।
बहादुर यादव मेमोरियल स्कूल पर आ चुके हैं, इसके पीछे ही बहादुर यादव महिला स्कूल है, वहाँ भी चलेंगे। देखिए तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय के तो डॉक्टर अमरेंद्र सिंह जी ने बताया है, जो कि परीक्षण नियंत्रण वही बताया है कि 18 मार्च से लेकर और 2 अप्रैल तक परीक्षाएं बंद रहेगी और फिर जो आगे होगा वो छात्रों को सूचित किया जाएगा। चलिए हम चलते हैं, जो कि आज राजनीतिक शास्त्र सेकंड का तो पेपर था तो ये देखिए स्कूल में आ चुके हैं, कोई छात्र का पता नहीं है, बस 2-4 सर लोग आए हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, बात भी की हम लोग तो बोल रहे हैं सही बात है। तो चलते हैं उस स्कूल में भी, उस स्कूल पर जो महिला विद्यालय है वहाँ पर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए हम चल ही रहे हैं, देखिए यही स्कूल है बहादुर यादव महिला स्कूल, जो कि यहाँ पे परीक्षा भी बंद है। अभी यहाँ में पता किया हूँ तो बोल रहे हैं कि 2 अप्रैल के बाद सूचना मिलेगा तो दिखाया जाएगा। देखिए विद्यालय है, देखिए कोई छात्र नहीं दिख रहा है, चलते हैं। और यही दिखाना था आप लोगों को कि जो कोरोना वायरस का प्रभाव है तो सही बात है सब हुआ कि यहाँ बहादुर यादव मेमोरियल प्राइवेट ITI स्कूल भी है, यहाँ भी बंदी है सब। आ चुके हैं और यहाँ लिखा गया है कि 18 मार्च से लेकर और 2 अप्रैल तक सभी विद्यालय को परीक्षा स्थगित की गई है, तो आगे जो होगा न्यूज बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा अगला वीडियो मिल सके। तो चलते हैं, जय जय भारत, जय माता दी।